वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि 247 नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद सूबे सिंध में कोरोना वायरस के मुतासरा केसेस की कुल तादाद 3671 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2561 यानी 2561 टेस्ट और किए हैं। टोटल टेस्ट की तादाद पूरे सिंध में 35,589। कल तक जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी तादाद 3671 थी। पिछले 24 घंटों में 274 केस पॉजिटिव और आए हैं और इस तरीके से टोटल तादाद पॉजिटिव केसेस की सूबे सिंध में 3,945 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42 अफराद इस वबा से क्योर हुए हैं। इस तरीके से ये टोटल तादाद 772 हो गई है। अनफॉर्चुनेटली दो डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटों में। इस तरीके से टोटल डेथ्स की तादाद सूबे सिंध में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की नोन तादाद है वो 75 है। सैयद मुराद अली शाह ने अपने एक वीडियो बयान में सूबे सिंध में जारी कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक कहा है, 15 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। तारिकीन वतन में 127 लोगों के टेस्ट मुस्बित आए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। ट्रीटमेंट है उनकी तादाद 3098 है, जिनमें 1893 लोग होम आइसोलेशन में है, 767 आइसोलेशन सेंटर्स में गवर्नमेंट रन। टोटल 49 क्रिटिकल हैं इस वक्त तक इन 438 में से और 15 वेंटिलेटर्स पे हैं। मेरे लिए जो तरावियों के लिए कहा गया है कि घरों में करें, ये कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स से मशवरे के बाद कोरोना वायरस की जो वबा ज़्यादा फैल रही है उसको नज़र में रखते हुए और उल्मा को भी बताया गया था कि ये फैसला किया जा रहा है सदर पाकिस्तान से सलाह मशवरा करने के बाद, इसलिए कि जो SOP कायम थी उसमें एक गुंजाइश मौजूद थी कि कुछ इनमें चेंजेस की जा सकती हैं, उस वजह से वो चेंजेस की। रमज़ान शरीफ में वैसे ही हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा इसका भी हमने ख्याल रखना है। हम जो ऑनलाइन कुछ इजाज़त दे रहे हैं कारोबार की, जहाँ पे जो कस्टमर है वो बिल्कुल किसी जगह पे नहीं आ सकता लेकिन घरों पे उनको डिलीवरी हो सकती है चीज़ों की, वो एक चेंज आपको बता दिया जाएगा।